और अब बिहार से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है आरक्षण को लेकर के। पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि बिहार में 65% के आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि पहले 50% का आरक्षण था, अब हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सीमा तोड़ी नहीं जा सकती। 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है अब उसको रद्द कर दिया गया है। पहले 50% का आरक्षण था, 65% का आरक्षण कानून को ही अब रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है आज बिहार से। जातीय सर्वे के बाद ये कोटा बढ़ाया गया था, जातीय सर्वे के बाद इस आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया था, और पिछली सरकार का जो फैसला है अब रद्द कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इसको लेकर के बड़ी राजनीति भी हुई थी, बिहार में जाति सर्वे को लेकर के बड़ी राजनीति हुई थी, और उसको चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद जो पिछली सरकार ने आरक्षण लिया था 65% का, अब उस कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पहले के 50% आरक्षण के दायरे को ही, उस सीमा को ही बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से, इस पर हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जाति सर्वे के बाद इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, अब उस पर हाईकोर्ट ने एक तरह से पलटवार करते हुए उस पर अब रोक लगा दी है, यानी जो पुराना कानून जो 2023 में बिहार सरकार ने बनाया था अब वो रद्द हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रियों की मौतों की संख्या बढ़कर के अब 562 पर पहुंच गई है। चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि मृतकों में 320 मिस्र के रहने वाले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे